हेलो फ्रेंड, और इस वीडियो में आप सीखेंगे यूज ऑफ हैज हैव। तो हैज और हैव का यूज जनरली आप यूज करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में, लेकिन आप नॉर्मली ऐसे भी यूज करते हैं स्पीकिंग बहुत सारी जगह यूज होता है, तो वहां पे हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि हैज हैव का यूज होता कैसे है। तो आइए हम वो सीखते हैं। तो हैज और हैव का यूज, तो आपको ये तो पहले से ही पता होगा, हैज का यूज किसके साथ करते हैं? सिंगुलर के साथ, सिंगुलर सब्जेक्ट जो भी हो, जैसे ही, शी, इट, एनी नेम, सिंगुलर थिंग। और हैव का यूज कहाँ करते हैं? आपका प्लूरल के साथ, आई, वी, दे, यू के साथ। तो जैसे आपका होता है आई हैव टू ब्रदर, मेरे दो भाई हैं, आई हैव टू ब्रदर। उसके पास कार है, ही हैज अ कार, ही हैज अ कार। मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। इसमें डिफरेंस क्या है पास्ट आपका फ्यूचर परफेक्ट टेंस में और हैज हैव के यूज में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस सिंपल ये है, अगर आपका परफेक्ट टेंस होगा, परफेक्ट टेंस होगा तो आपकी वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है, और इसमें आप देखेंगे इसमें वर्ब है ही नहीं। जैसे इसमें मैं सेंटेंस क्या बोला मैंने, मेरे पास कार है, आई हैव अ कार, मेरे पास एक कार, आई हैव अ कार, आई हैव अ कार। इसमें कहीं वर्ब है नहीं है, तो आई हैव अ कार। तो हैज और हैव का यूज करते कहाँ है? जैसे मेरे पास, अपने पास कुछ होना, नियर बाय, आई हैव अ कार, आई हैव होम, आई हैव अ होम। जैसे कहते हैं आई हैव अ पेन, मेरे पास पेन है, आई हैव 10 रुपीज, आई हैव 1 लाख रुपीज, मेरे पास 1 लाख रुपए हैं, आई हैव 1 लाख रुपीज। इस तरह से जैसे कहते हैं ना कि डू यू हैव पेन, यस आई हैव, डू हैव टाइम फॉर हिम, नो आई डोंट हैव। जैसे आपसे कोई पूछे कि डू हैव द टाइम, डू यू हैव टाइम फॉर मी, नो आई डोंट हैव। जैसे अगर आपके पास नहीं है तो आई डोंट हैव, और है तो आई हैव। तो आपका सिंपल हैज और हैव का यूज कहाँ करते हैं हम? आपका जिसमें सब कोई चीज आपके पास होना, मतलब होने की जिसमें, हाँ मेरे पास है, तो उसमें आपका होगा हैज या हैव का यूज, इस तरह से होता है। तो आपका ये होता हैज और हैव का यूज, सिंपल है, बिल्कुल भी कोई टफ नहीं है। इसमें आपको कुछ नहीं करना है, आई हैव, यू हैव। अब इसमें नोट भी कर सकते हो, जैसे नेगेटिव में होगा इसका आपका हैज नॉट या हैव नॉट आएगा, हैवन या हैजेंट। जब आप हैव नॉट या हैज नॉट को बोलोगे स्पीकिंग फ्लुएंसी लाने के, कैसे बोलोगे? हैजेंट, हैवेंट, हैजेंट, हैवेंट, आई डोंट हैव, I don't have the time for you, I don't have time for you, I don't have money, I don't have money, he has not money, he has not time for me, he hasn't time for me, he has no time for me, I don't have time for you, I don't have time for you, I don't like you, I have money, I have not money, I haven't money, I have time, I have no time, I have idea, I have not idea। इस तरह से आपका इंटर, तो इसके बाद क्वेश्चन करना इंटरोगेटिव, तो इंटरोगेटिव में आपका हैज और हैव कहाँ जाएगा? फ्रंट में आ जाएगा। जैसे ही आ जाएगा, क्या आपके पास पेन है, तो इसको क्या कहेंगे आप? हैव यू पेन, हैव यू ए पेन, या फिर डू यू हैव पेन, डू यू हैव पेन। क्या आप, जैसे कह सकते आपके पास कार है, डू यू हैव कार, यस आई हैव। अगर आपको आंसर नहीं, अगर आपके पास है तो यस आई हैव, और नहीं है तो नो आई हैवंट, नोट लगा आई हैवेंट, नहीं है मेरे पास। तो ये आपका इंटरगेटिव भी हो गया, मतलब सिंपल है। इंटरगेटिव बनाना तो आपको फ्रंट में ला दो, और नेगेटिव बनाना तो हैज या हैव के बाद नोट लगा दो। इसी तरह से आपका यूज ऑफ हैज है फिनिश होता है। आपको जो भी कन्फ्यूजन है कमेंट करें, मैं आपको नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा और आपके कमेंट को पढ़ के पूरा कमेंट का सॉल्यूशन निकालूंगा आपको हर एक वीडियो में। आप कमेंट करें, लाइक करें, शेयर करें, जो भी प्रॉब्लम आती कमेंट करें, पूरा सॉल्व करके आपको नेक्स्ट वीडियो मिलेगा। थैंक यू।